सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को कीजिए। दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यह है बजाज पल्सर 150। दोस्तों ये गाड़ी जो है वो फुल रेस नहीं ले रही, मतलब रेस बना नहीं पा रही है। मैं अभी आपको स्टार्ट करके बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये रही इसकी चाबी, इसे मैं अभी करता हूँ ऑन। ये देखिए यहाँ से ऑन करता हूँ दोस्तों, ये स्टार्ट हो गई। अभी दोस्तों मैं इसे रेस देता हूँ। ये देखिए कैसे मिसिंग कर रही है। तो दोस्तों ये रेस नहीं ले पा रही है, इसका दोस्तों रीज़न हमें ढूंढना है। और दोस्तों मेरा जहाँ तक फॉल्ट है वो दोस्तों मुझे लगता है इसके कार्बोरेटर में दोस्तों कुछ तो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका कार्बोरेटर हम क्लीन करने जा रहे हैं और क्लीन करने की प्रोसेसिंग मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही में दोस्तों दोनों प्लग मैं इसके चेंज कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों गाड़ी जो है वो मिसफायर कर रही है। तो मैं प्लग चेंज कर डालूँगा, कार्बोरेटर क्लीन करूँगा, उसके बाद आपको स्टार्ट करके बताऊँगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी दोस्तों हम इसका रीज़न जो है वो ढूंढ के ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत रस्ट है। और दोस्तों मैं इसके अभी दोनों जेट जो है इसका जेट वो बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए दोस्तों ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। की रात तो सांस ही जाने है, होठों की ख्वाहिश व्यास ही जाने है, क्यों जोगी हो जोगन जाने है, जिस पे गुजरी वो तन जाने है, हम दीवाने हो गए हैं आपके हम तो। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी गंदगी है। ये दोस्तों सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। और दोस्तों ये रही दोस्तों इसकी हमारी स्प्रिंग अंदर की और बच्चे दोस्तों नट बोल्ट। फिर से एक बार दोस्तों यहाँ पे ये रहा हमारा मेन जेट। मेन जेट के दोस्तों होल क्लियर है उसका, इसका भी कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अब फटाफट से दोस्तों उसके दोनों स्पार्क प्लग चेंज कर देता हूँ। दोस्तों इजी है चेंज करना, तो मैं फटाफट से चेंज करके देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसके स्पार्क प्लग दोस्तों हम चेंज कर रहे हैं। दोस्तों ये न्यू स्पार्क प्लग है, वो भी दोस्तों ये देखिए बजाज ओरिजिनल। और दोस्तों ओल्ड स्पार्क प्लग भी बताऊंगा मैं आपको, और मिस फायर की दोस्तों वजह भी मुझे मिल चुकी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही में दोस्तों इसका कार्बोरेटर भी क्लीन हो गया, मतलब दोस्तों दोनों काम जो है वो हमारे ऐसे टाइम हो गए। अब 100% दोस्तों मैं श्योर हूँ कि ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। बस स्टार्टिंग में थोड़ी ट्रबल करेगी दोस्तों, लेकिन बाद में फिक्स हो जाएगा इशू जो है चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है वो दोस्तों इसकी मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं गई। तो दोस्तों इसमें एक्चुअल फॉल्ट CDI कॉइल का था दोस्तों।
दोस्तों एक कॉइल मैंने रिप्लेस कर दी और दोस्तों देख सकते हैं जीनियन कॉइल है दोस्तों, ओरिजिनल डली हुई। तो दोस्तों अभी हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसका प्रॉब्लम अब भी गया या वैसा ही है। दोस्तों फटाफट से गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इसके कॉइल का स्पार्क भी आप एक बार देख लीजिए, ये देख सकते हैं आपके सामने, मैं अभी इसका स्पार्क दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों फुल स्पार्क है। तो दोस्तों फटाफट से अभी स्टार्ट करते हैं इसे। तो दोस्तों अभी हम इसे करते हैं स्टार्ट और देखते हैं गाड़ी फुल रेस होती या नहीं। दोस्तों देख सकते हैं एक ही एक्सीलेटर में गाड़ी फुल रेस हो रही है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।